हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.2. ओके, एक्सरसाइज 2.2. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फिल इन द मिसिंग नंबर्स वर्ड्स. ट्राई टू सॉल्व इट मेंटली. ओके, नाउ ए नंबर ऐड करना है इसमें भी हमें. ओके, 4364. 4364 प्लस, फिर देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ, फिर इक्वल में 4364. लास्ट डे जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था, उसमें रूल्स हमने पढ़े थे. देखिए अब यहाँ पर ऐड करने के लिए 4364 में कुछ भी नहीं है, है ना. यहाँ पर हमें वो फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या ऐड होगा, बट यहाँ आंसर क्या दिया है, 4364. सेम वही डिजिट यहाँ पर, सेम वही नंबर यहाँ पर दिया है ना. तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जीरो. ओके, क्या ऐड करेंगे, जीरो. 4364 में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4364. सेम वही नंबर है ना. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर में, जिस नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं, है ना, तो नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर, है ना. अ जीरो एडेड टू अ नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर. जब हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वह उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट बी नंबर. यहां देखिए फर्स्ट में मिसिंग दिया है, ब्लैंक्स प्लस जीरो इक्वल 9888. अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो ये सेम नंबर मिलेगा जैसा अभी हमने फर्स्ट वाले में किया है. तो यहाँ पर इसका अपोजिट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम यही नंबर ऐड करेंगे जो आपको आंसर में दिया है, वही नंबर हम यहाँ पर राइट करेंगे, 9888 प्लस जीरो, है ना. क्योंकि हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमें आंसर वही मिलता है, वह नंबर चेंज नहीं होता, उस नंबर की वैल्यू नहीं बदलती है. ओके, सो सेम नंबर यहां भी आएगा. नेक्स्ट है नंबर सी, 86789 प्लस जीरो. सो आंसर टेल मी, यस, जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें सेम मिलेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो राइट हियर 86789. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर डी, 99,999 प्लस वन. ओके, इसका सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि हम जब वन ऐड करते हैं, है ना, वन एडेड टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ द नंबर्स एज द सम. ओके, जो नंबर हम, जिस नंबर में हम वन ऐड कर रहे हैं तो उसका हमें सक्सेसर नंबर मिलता है, या फिर उसका आगे का एक जोड़ मिलता है ना. तो 99,999 में हम वन प्लस करेंगे तो इसका हमें सक्सेसर मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 लैक. ओके, सो राइट हियर 1 लैक. ओके, नेक्स्ट है ई नंबर, 84,350. ओके, 84,350 प्लस, यहाँ मिसिंग है, इक्वल दिया है आपको आंसर, 84,450. ओके, सो यहाँ पर हम नंबर कौन सा ऐड करेंगे, अब यहाँ देखिए 100 यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ पर 100 जो नंबर, 100 नंबर है वह यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 100. ओके, सो ऐड कर लेंगे 100, यहाँ पर हम 100 ऐड करेंगे तो ये है ना, 0 का 0 ये, 5 का 5 यहाँ पर, और 3 और 1 4. ओके, और ये 84, ये सेम. ओके, वैसे ही आप ये नेक्स्ट जो दिए हुए हैं ब्लैंक्स में जो फिल करना है इसे आप कंप्लीट कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, ये देखिए, आंसर ऑफ एन
एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड। ओके, फर्स्ट में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था एडिशन के बारे में, है ना, कि एडिशन में हम क्या क्या करते हैं। तो वही है ये, आंसर ऑफ एन एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड। जब हमारा आंसर आ जाता है, आंसर के लिए एडिशन जब हम करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, तो क्या रहता है वो, सम। उसे हम क्या कहते हैं, जोड़। ओके, सम। नेक्स्ट है, द नंबर्स विच आर बीइंग एडेड आर कॉल्ड। ओके, जिस नंबर में हम एक नंबर में हम दूसरा नंबर ऐड करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं जिस नंबर को हम ऐड करते हैं, तो वो क्या है, अटेंडम। ओके ओके, ए डबल डी ई एन डी यू एम। ओके, अटेंडम। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, ये जो मिसिंग बचे हुए हैं इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। ओके, सो नाउ योर होमवर्क। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।